या तो लोग है जिसके पास परमिशन है, उसकी परमिशन दे दिया मैंने तो ऊपर तरह परमिशन वाले का आया परमिशन वाला ऊपर जाओ मैं क्या परमिशन दे दिया एक बार चलिए मैं तभी से बात शुरू कर देता हूँ। गुरुग्राम में नमाज को लेकर आतंक मचाने के बाद अब इन भगवादारी गुंडों ने पूरे देश में दहशत फैलाना शुरू कर दिया है। हमने आपको पहले भी तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरीके से एक चर्च को तोड़ दिया गया और उसके बाद सेंटा क्लॉस का पुतला जलाया गया, और ये सब हरकतें अब बढ़ती जा रही हैं क्योंकि सरकार तो खुद ये करवा रही है, और जब सत्ताधारी पार्टी की निगरानी में ये सब हो रहा हो तो पुलिस तो क्या ही कर लेगी इन सब में, ये हम सब जानते हैं दोस्तों। और इसी के चलते अब ये गुंडे ना तो बच्चे देख रहे हैं ना बड़े देख रहे हैं, अब बस इनका जहां मन करता है ये घुस जाते हैं और दहशत मचाना शुरू कर देते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह, स्वागत है आप दोस्तों। कुछ ऐसी ही हैरान और परेशान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं कि उनको देखकर लग रहा है कि आखिर ये लोग जो मस्जिद और मदरसों की तालीम की बात करते हैं इनको क्या सिखाया गया है। लेकिन इन सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए एक बार। तो दोस्तों देखा आपने किस तरीके से ये गुंडे क्रिसमस के प्रोग्राम में घुस गए जहां छोटे बच्चे और महिलाएं सब मौजूद थे और स्टेज पे चढ़कर सारा प्रोग्राम खराब कर दिया। बच्चे अपनी कुर्सियां छोड़ निकलने लगे और ये हिंदुत्ववाद के ठेकेदार इस दहशत भरे माहौल का वीडियो बना रहे थे, जैसे ना जाने क्या अच्छा काम कर दिया हो इन्होंने। और यही मोदी और योगी सरकार औरतों की सुरक्षा की बात करती है जिनके खुद के भगवादारी गुंडे भरे प्रोग्राम में जाकर दहशत मचाते हैं और पुलिस और प्रशासन बस हाथ पे हाथ धरे बैठा रहता है। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो यह है दोस्तों कि विदेशी मीडिया में इतनी आलोचना के बाद भी इस सरकार के कान पर जू तक नहीं रहेंगी, और अब भी देश भर में ये धर्म के नाम पर जो दहशत मचाई जा रही है वो जारी है। इसी से जुड़ा एक और वीडियो दिखाएंगे आपको जहां पे वही क्रिसमस के प्रोग्राम में घुसकर जय श्री राम के नारे लगाए गए। देखिए ये वीडियो एक बार। कोरोना का काल चला हुआ है, आपके प्रोग्राम यहाँ कौन लोग है जिसके पास परमिशन है उसकी परमिशन दे दिया मैंने तो ऊपर जाओ परमिशन वाला का आया परमिशन वाला ऊपर जाओ मैं क्या परमिशन दे दिया एक बार चलिए मैं तभी से बात शुरू कर तो दोस्तों देखा आपने ये वीडियो भी गुरुग्राम का ही है जहां महिला और बच्चे बैठकर क्रिसमस मना रहे थे और इन गुंडों ने आकर जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। क्या आप सोच सकते हैं दोस्तों कि उन छोटे बच्चों के दिमाग में क्या आया होगा, क्या छवि बैठी होगी कि कैसे देश में जी रहे हैं हम जहां आप अपनी मर्जी से एक त्योहार नहीं मना सकते। जय श्री राम बोलने में कोई बुराई नहीं है दोस्तों, लेकिन हर समय यूं राम का नाम लेकर दहशत मचाना ये भी तो सही नहीं है ना। और वो दिन दूर नहीं है दोस्तों जब ये लोग धर्म के नाम पर औरतों का घर से बाहर निकलना और अपनी पसंद के कपड़े पहनना भी बंद करा देंगे, क्योंकि जिस हिसाब से इनकी गुंडागर्दी दिन रोज बढ़ रही है और इस पर सरकार कोई भी रोक नहीं लगा रही है, पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है, तो वो दिन दूर नहीं है। और ये सब देखकर लग रहा है कि ऐसा जरूर होगा अगर इन सब पर रोक नहीं लगाई गई। और इसी से जुड़े कुछ ट्वीट्स भी हम आपको दिखाते हैं। साक्षी जोशी लिखती है, ये डरावना भारत बनाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पोस्टर लगाकर शुक्रिया करना तो बनता है। और इसी के साथ वही वीडियो जो हमने आपको शुरुआत में दिखाया था वो भी पोस्ट किया है साक्षी जोशी ने, और क्या सही बात कही है साक्षी जोशी ने कि ये जो मंजर है ये डरावना ही तो है उन छोटे बच्चों के लिए जिनके लिए क्रिसमस अभी तक मस्ती करने का त्योहार हुआ करता था। स्वरा भास्कर ने मोहम्मद गाजल का ट्वीट रीट्वीट कर लिखा है सिकनिंग, जिसका मतलब होता है अरुचिजनक। और मोहम्मद गाजल ने क्या लिखा है उसका भी हिंदी अनुवाद आपको बताते हैं कि क्या लिखा है मोहम्मद गाजल ने। वो लिखते हैं, गुरुग्राम में शुक्रवार की नमाज को भंग करने के बाद गुरुग्राम के पटौदी जिले में एक और रिकॉर्ड सेट किया गया जो क्रिसमस की शाम को फिर से पूजा और बच्चों के प्रोग्राम में खलल डाली गई। और पुलिस का कहना है कि अभी तक कोई एफआईआर या कोई कंप्लेन उसको लेकर नहीं आई है, और कंप्लेन आएगी भी नहीं दोस्तों क्योंकि सरकार तो खुद इनके साथ है और पुलिस से आप क्या ही उम्मीद करेंगे।
और इसके बाद विनोद कापरी ने भी इसी से जुड़ा एक ट्वीट कर लिखा है, साफ दिख रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुंडे मवालियों को खुली छूट दे रखी है। प्रधानमंत्री जिस क्षण चाहे ये गुंडागर्दी रुकवा सकते हैं, पर ये लगातार बढ़ रही है। अपने पद की लाज रख लीजिए कम से कम। ये लिख रहे हैं विनोद कापरी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपने पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए कम से कम ये रुकवा दीजिए। लेकिन हाल फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है दोस्तों, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। गणतंत्र न्यूज की और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधा नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को ऑन करें।